हेलो एवरीवन, देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में रेडॉक्स पढ़ रहे थे, तो रेडॉक्स में बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई थी। तीन टाइप की रेडॉक्स थी। सेकंड नंबर अपन ने पढ़ा था एन फैक्टर कैलकुलेट करना, मतलब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। तो उसमें एन फैक्टर करके आया था, एन फैक्टर सबके लिए बात हो गई थी, यही तक बात थी। आज आगे बात करते हैं, ठीक है? अभी तक जो पढ़ाया अभी उन्हीं का यूज होने वाला है। आज बात करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी एन, कोई ज्यादा विशेष नहीं है ये, ठीक है? बस एक नई टर्मिनोलॉजी है इसलिए बता देता हूं थोड़ा। नॉर्मेलिटी होती क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को, ग्राम तुल्यांकी की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, सुने बात को, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को अपन क्या कहते हैं? नॉर्मलता। मोलरता में क्या होता था? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। तो मोलों की जगह क्या वर्ड आ गया? ग्राम तुल्यांकी। चेक कर लेते हैं ग्राम तुल्यांकी होता क्या है। मतलब नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला लिखना है, एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। सही बात बोलो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक को अपन ऐसे लिख दे, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, ये हो गया ग्राम तुल्यांक की जगह। तो मोल लिखते थे तो विलेय का द्रव्यमान बटा अणु भार आता था, अणु भार की जगह क्या लिख दिया? तुल्यांकी भार, 1 बटा विलयन का आयतन। तुल्यांकी भार आपको लास्ट क्लास में सबका कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, बस विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा, ठीक है? आयतन आया तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, नो डाउट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अपन से, क्या अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछे कि 24.5 ग्राम H2SO4, ठीक है, 500 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, ये अपन से पूछ लिया। 24.5 ग्राम H2SO4 500 ml विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो अपन सिंपल सा बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बराबर 24.5 अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार H2SO4 का 49, कल करवाया था, ये 500 ml है, ml में है तो ऊपर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन सारे, बोलो, ठीक है? अगला देखो, नॉर्मलता एवं मोलरता में, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, नॉर्मेलिटी एवं मोलारिटी में रिलेशन, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध क्या होगा? तो सिंपल सा एन बाई एम कीजिएगा आप, तो एन बाई एम करोगे तो विलयन के आयतन से विलयन का आयतन कैंसिल हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलेय के मूल, ये होंगे। तो एन बाई एम इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान बटा
विलेय का तुल्यांकी बार, इसको लिखोगे मोल को तो आप ऐसे ही लिखने वाले हो, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का क्या अणुबार, तो ये अणुबार चला जाएगा ऊपर, बन गया ये एन बाई एम इज इक्वल टू, तुल्यांकी बार पढ़ते हो आप अणुबार बटा एन फैक्टर, तो अणुबार बटा तुल्यांकी बार क्या हो जाएगा एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अगर मैंने यहां पे, अगर यहां पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखा वन मोलर H2SO4 है और पूछे कितनी नॉर्मेलिटी होगी, तो एन फैक्टर होता है टू, टू एन हो जाएगा। वन मोलर NaOH लिखा जाए तो मैं सीधा बोलूंगा वन नॉर्मली होगा। वन मोलर Al2SO4 होल थ्राइज लिखा जाए तो मैं बोलूंगा 6N है। अगर मैंने ऐसा बोला वन मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो 2N हो जाएगा। मैंने बोला वन मोलर H3PO2 है, N फैक्टर का मालूम होना चाहिए, 1N ही होगा। मैंने बोला वन मोलर H3PO3 है तो 2 नॉर्मल होगा। वन मोलर H3PO4 है तो 3 नॉर्मल होगा। बात आ गई समझ में, बोलो। ये रिलेशन हो जाएगा नॉर्मलता एवं मोलरता में। तो रिलेशन समझ में आ गया, नॉर्मलता समझ में आ गई। मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी, सांद्रता के पद पढ़ाए थे, तो नॉर्मलता मैंने कहा था बाद में देखेंगे। ये देख लो नॉर्मलता मोलरता में रिलेशन वगैरह सब कुछ आ गया। चले आगे, चल अगली बात करते हैं। नेक्स्ट, H2O2 का आयतन सामर्थ्य, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, सांद्रता के पद मोलरता होती है, नॉर्मलता होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, उसी टाइप से H2O2 के लिए एक स्पेशल डिफाइन करते हैं और वो क्या होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऐसे लिखा हुआ होता है 10V H2O2, ठीक है, 20V H2O2, XV H2O2, ये इस टाइप से लिखा होगा 10V H2O2, 20V H2O2, XV H2O2, इस टाइप से लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक जनरल टर्म्स ले रहा हूं कि अगर मेरे पास कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ऐसा लिखा हुआ आ जाए XVH2O2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 1 लीटर H2O2 1 लीटर H2O2 NTP पर X लीटर क्या देता है O2 देता है, इसका मतलब ये होता है 1 लीटर H2O2 NTP पर क्या देता है X लीटर O2 देता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, ठीक है। जो X लिखा हुआ होगा वो O2 देगा और 1 लीटर H2O2 फिक्स है। जैसे अगर मैंने ऐसा लिख दिया 15V H2O2 है, 15V H2O2 है, तो इसका मतलब फिक्स है कि 1 लीटर H2O2 NTP पर, 1 लीटर तो फिक्स है H2O2, NTP पर 15V का मतलब 15 लीटर O2 देता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, 15V H2O2 देता है। अब वो इस डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेरे को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया जा सकता है 10 लीटर, या ऐसा लिख लो 5V H2O2 के 10 लीटर से कितनी O2 NTP पर प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन दिया मेरे को, है ना, ये क्वेश्चन दिया गया।
तो 5V H2O2 के 10 लीटर से कितनी O2 NTP पर प्राप्त होती है, तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, 5V H2O2 है, इसके 10 लीटर से कितनी O2 NTP पर प्राप्त होती है, तो मैं बोलूंगा 5V का मतलब तो ये होता है कि 1 लीटर H2O2 होता तो 5 लीटर O2 मिलती। कितना दे रखा है H2O2 का, 10 लीटर, ये लो 10 लीटर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना लीटर मिल जाएगी, 50 लीटर। समझ में आ रही बात? और वैसे इसका रिवर्ट क्वेश्चन बन सकता है, 25V H2O2 के कितने आयतन से, कितने आयतन से 5 डेसीमीटर क्यूब O2 NTP पर प्राप्त होती है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो करना है क्या है, 25V H2O2 का मतलब समझ ले, 25V H2O2 का मीनिंग समझे आप, तो कि 25V H2O2 का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 25V H2O2 का मतलब ये होता है 1 लीटर H2O2 जो है वो कितने लीटर देगी O2, 25 लीटर, यही बात हुई, 1 लीटर H2O2 जो है वो कितने लीटर O2 देगी, 25 लीटर। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, पहले वो सोचो, H2O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना, जो कैलकुलेट करना होता है उसको राइट हैंड साइड में रखे, तो 25 लीटर H2O2 इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वो 25 लीटर O2 जो है वो 1 लीटर H2O2 से मिलती, तो 1 लीटर कितने से मिलेगी, 1/25 से, 5 डेसीमीटर क्यूब बोलो या 5 लीटर बोलो एक ही बात है, तो 1/25 × 5 1/5 लीटर मीन्स 200 ml, क्या आंसर आ जाएगा, 200 ml से मिल जाएगी। अगली बात समझ में, दोनों प्रॉब्लम समझ में आया, आगे और बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है, जबकि ऑक्सीजन की रेंज क्या है, -2 से लेके +2 तक, इसका मतलब इंटरमीडिएट है, जब भी इंटरमीडिएट आती है तो मैंने बोला था कि वो किसकी तरह ट्रीट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो H2O2 ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करता है, कौन से मीडियम में, एसिडिक एंड बेसिक इन बोथ मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, एसिडिक में भी ट्रीट करेगा, बेसिक में भी ट्रीट करेगा, दोनों मीडियम में, इंपॉर्टेंट है ये। अब सुने बात, मैं ले रहा हूं H2O2 ऑक्सीकारक, H2O2 एक्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरों का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में, ये लो H2O2, अगर खुद का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए, -1 से कम क्या बोलो, -2 होगा, इसका मतलब H2O में कन्वर्ट होगा, ये लो, ये हाफ रिएक्शन है, अब ITUS मेथड नहीं लगने वाला है, हाफ रिएक्शन है, इसलिए अब हाफ रिएक्शन है तो कैसे करें, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, कितने ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितनी हो गई राइट हैंड साइड में 4 और इधर कितनी है 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो 2H+, चार्ज बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो एसिडिक मीडियम में H2O2 किस में कन्वर्ट होता है, H2O में, जब वो किसकी तरह एक्ट करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम में क्या होगा, इन बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम में, अरे इतने तो इंग्लिश चल जाएगी ना, एसिडिक बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में करना कुछ नहीं है, एसिडिक मीडियम की तरह पहले बैलेंस कर दो, बस इलेक्ट्रॉन मत जोड़ना, अब मीडियम बेसिक है, मीडियम कैसा है,
बेसिक है, मीडियम बेसिक होगा तो H प्लस तो दिखना नहीं चाहिए, मैंने H प्लस को हटाने के लिए OH माइनस जोड़ दिए, उतने ही OH जोड़े जितने H प्लस थे, तो दोनों साइड जोड़ने पड़ेंगे। वो तो ये हो गया 2H2O, H प्लस और OH माइनस मिलके 2H2O, 2H2O से 2H2O कैंसिल, तो H2O2 कन्वर्ट होगा 2OH माइनस में। अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, मीन्स चार्ज को, तो आप क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो बेसिक मीडियम में H2O2 कन्वर्ट होगा किसमें, OH माइनस में। बात क्लियर है सारी? चलो आगे देखो, ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होगा कि वो अपचय की तरह काम करे, तो दूसरों का अपचयन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है, ठीक है। माइनस वन में है तो बढ़ेगा, तो किसमें आएगा, जीरो में, प्लस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, प्लस में तो केवल किसके साथ आता है, प्लस में तो केवल किसके साथ आता है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में H2O2 कन्वर्ट होगा O2 के अंदर, ये लो कन्वर्ट कर दिया, एसिडिक मीडियम है तो इधर H2O2 तो बैलेंस है, ये 2H+ होगा, 2H+ होगा तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, ये बैलेंस हो गई, देखो हो गई बैलेंस, ठीक है। आगे देखो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में इसकी तरह ही बैलेंस करनी है, एसिडिक मीडियम की तरह बोला है कि बस इलेक्ट्रॉन मत ऐड करना, ये हो गई। अब 2H+ हटाना है तो 2OH- ऐड कर दो, ये लो दोनों साइड कर दिए, तो H2O2 plus 2 times OH- कन्वर्ट होगा O2 plus 2H2O। अब बैलेंस करना है तो क्या ऐड करूंगा, बोलो भैया इलेक्ट्रॉन, ये लो दो इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो गई, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई, ठीक है। H2O2 plus 2 times OH- कन्वर्ट होगा O2 plus 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, चला गया। चलो ये H2O2 के बारे में, इन सारे केस में देख लो, प्रति अणु दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आ रहा, दो 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 दो, इसका मतलब H2O2 का n फैक्टर कितना होगा, दो होगा। H2O2 का n फैक्टर क्या होगा, दो होगा, ठीक है। H2O2 का n फैक्टर 2 है, ठीक है। तो मैं H2O2 के लिए नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में रिलेशन की बात अगर करूं तो फिर तो ये होना चाहिए, फिर तो ये होना चाहिए क्या, कि नॉर्मेलिटी जो होगी वो होती है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है, दो, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोलारिटी हो जाएगा, ठीक है। बात आगे सुने, H2O2 के लिए आयतन सामर्थ्य एवं मोलरता में संबंध, ये याद रखे बेटा, रिजल्ट है ना, मैं डिराइव भी नहीं कर रहा हूं, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, डेरिवेशन के काम में भी नहीं आने वाला वैसे भी। ये ध्यान रखे कि मोलारिटी जो होती है वो xv अपॉन 11.2 होगी, कितनी होगी, xv अपॉन 11.2, इसको याद रखे। अब नॉर्मेलिटी चाहिए तो इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दो फॉर्मूले याद रखने आप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे, आपसे ये पूछ ले 3.36 H2O2 की n ज्ञात करो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन गया।
तो अपन को सीधा सा मालूम है मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है एक्स वी अपॉन 11.2, ये आ जाएगा पॉइंट कितना 3, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.6। अगली बात समझ में, ये H2O2 से रिलेटेड बात हो गई, बात क्लियर है सारी, बोलो बात क्लियर। ये H2O2 से रिलेटेड मोल कंसेप्ट में दे रखा था H2O2, मैंने वहां पे नहीं करवाया, मैंने आपको बोला था रेडॉक्स में करवाएंगे। तो ये देखो H2O2 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब बात करें आगे, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तुल्यांक का सिद्धांत। तुल्यांक का सिद्धांत क्या है, कैसे है, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांक का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। देखो क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले क्रिया कारक के तुल्यांक एवं उत्पाद के बनने वाले तुल्यांक बराबर होते हैं, ठीक है। यह इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले क्रियाकारक के तुल्यांक एवं उत्पाद के बनने वाले तुल्यांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले क्रियाकारक के तुल्यांक एवं उत्पाद के बनने वाले तुल्यांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने कोई भी रिएक्शन लिखी M1A प्लस M2B कन्वर्ट होगा N1C प्लस N2D, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इक्विवेलेंस, तुल्यांक का मतलब इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ D होगा। ABCD चारों के इक्विवेलेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब पहले अपन सोच लेते हैं थोड़ा सा, इक्विवेलेंट होता क्या, तुल्यांक क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो तुल्यांक या इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तीन फॉर्मूले हैं तुल्यांक जो होता है, एक तो होता है भार बटा तुल्यांक की भार, भार बटा तुल्यांक की भार, पहला फॉर्मूला था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सेकंड नंबर। अभी आपने नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, तो नॉर्मेलिटी था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांक की संख्या बटा वॉल्यूम, तो एन इंटू वी भी क्या होगा, तुल्यांक ही होगा। तो तुल्यांक इज इक्वल टू एन नॉर्मलता इंटू वॉल्यूम वी आयतन, एन इंटू वी। और थर्ड नंबर जो है वो तुल्यांक का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा मोल इंटू एन फैक्टर। कैसा है मोल इंटू एन फैक्टर, एन दो, एक ही फॉर्मूला है बेसिकली। तो ये अब ये नॉर्मलता को अपन ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मलता को मोलरता में अगर कन्वर्ट करना है तो अपन ऐसा लिख दे मोलरता इंटू एन फैक्टर इंटू वी। मोलरता इंटू आयतन क्या होता है, मोल, ये देखो मोल इंटू एन फैक्टर आ गया, क्या जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर, क्या जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर। ये तुल्यांक का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर आ जाएगा ऐसे। ये तीन फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है बेटा वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला आपको काम में लेना है कौन सा नहीं देना है। बाहर दे रखा है
तो बार बटा तुल्यांक की बार काम में लूंगा। बाई चांस मूल दे रखे तो मूल इंटू एन फैक्टर काम में लेंगे, बाई चांस नॉर्मलता दे रखा है तो एन इंटू वी काम में लेंगे। मैं इसको चीज को प्रूव करवा रहा हूं कि कैसे इक्विवेलेंस बराबर हो सकते हैं। जैसे मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन लिखी और इस रिएक्शन को मेरे को बैलेंस करना नहीं आता है, CaCl2 लगेगा प्लस H2O लगेगा। मैंने मान लिया इसका A मूल काम में आया, ठीक है भैया, इसका B मूल काम में आया, इसका P मूल काम में आया और इसका Q मूल काम में आया, ठीक है बात, ये बात हुई, ठीक है। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगाया तो मैंने कहा सबके इक्विवेलेंस बराबर होंगे। इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2O। ये तो बात होगी, ये सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब अगर ये बराबर होंगे तो मेरे को देख क्या रखा, पहले वो देखो मोल दे रखे, मोल दे रखे, इसका मतलब फॉर्मूला कौन लगेगा इक्विवेलेंस का, मोल इंटू एन फैक्टर। इसके मोल कितने दिए, ए, इसका एन फैक्टर कितना होता है, दो, इज इक्वल टू इसका बी मोल इंटू एच सी एल का एन फैक्टर कितना, एक, सी ए सी एल टू के मोल कितने, पी इंटू इसका एन फैक्टर, दो, एच टू ओ का एन फैक्टर, एक, क्यू इंटू वन। यही बात हुई, अब सॉल्व कर लो, 2a is equal to b is equal to 2p is equal to q। अगर मैंने माना a बराबर 1 है तो b बराबर हो जाएगा 2, q बराबर भी हो जाएगा 2 और p बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अब ये वैल्यू पुट करता हूं तो देखो यही तो बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मूल चाहिएगा, दो मूल चाहिएंगे HCl के, तो CaCl2 का एक ही मूल बनेगा और वाटर के कितने मूल बन जाएंगे, दो। हो गई रिएक्शन बैलेंस। मेरा पर्पस बैलेंसिंग नहीं था, मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इक्विवेलेंस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिएक्शन में बराबर रहेंगे, इक्विवेलेंस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बात क्लियर है यहां तक, चले आगे। चलो अब इससे रिलेटेड अपन बात करते हैं, क्वेश्चन वगैरह कैसे आपको टैकल करने होते हैं, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस भी पूरा हुआ, बताएंगे अभी इसके ऑप्शन भी बताएंगे। तो अब अपन को बेसिकली तीन क्वेश्चन करने हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन अभी भी अपन को करने हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन करने है ना, एक अपन को करने तुल्यांकी बार, परमाणु बार और अणु बार, और एक एस्टीमेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अभी तक ये सब कुछ पढ़ना है, चले आगे देखें। अब मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको तुल्यांकी बार जब कभी भी पूछा जाए या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो अपन देखते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, मैंने आपसे ये बोल दिया H2SO4 में H प्लस और सल्फेट आयनों के तुल्यांक का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। H2SO4 में H प्लस और सल्फेट आयनों के तुल्यांक का अनुपात क्या होगा, तो देखो कैसे करना है इसको। अगर अपन सोचे कि इसको कैसे करें, तो H2SO4 लिया, मैं तो बिल्कुल बता रहा हूं बेसिकली, ये जाएगा H प्लस में और ये आ गया सल्फेट में, तुल्यांक ज्ञात करने है ना, तो तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, ये लो होते। तो H प्लस के तुल्यांक चाहिए, H प्लस का मूल कितना या दो, N फैक्टर कितना, एक हो गए दो, SO4 माइनस टू के इक्विवेलेंस चाहिए, तो SO4 का मूल एक है N फैक्टर दो है ये, तो इसका रेशियो चाहिए,
1:1, ये आ जाएगा रेशियो 1:1 आया। अगर ये रेशियो 1:1 आया तो मेरा क्वेश्चन करवाने का जो पर्पज है ना वो ये है यहाँ पे कि कोई भी अगर आप कंपाउंड लेते हो उसमें कोई भी एलिमेंट हो एक्स वाई जेड उनके तुल्यांक हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे, रेशियो क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है, तुल्यांक हमेशा बराबर आएगा। हाँ देखो इधर ये हो गया था। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं Na2CO3 प्लस HCl, बैलेंस रिएक्शन भी ही लिख रहा हूँ सीधा 2 times NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। मैंने इसमें पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, ठीक है ये पूछा है। तो मैंने कहा इक्विवेलेंस बराबर होना चाहिए, ये लो इक्विवेलेंस बराबर है, इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl होगा, इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ द HCl होगा। तो HCl के इक्विवेलेंस कितना है, मोल इनटू n फैक्टर 2 आए। अगर इक्विवेलेंस ये आया तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए और वो किसके बराबर आ रहा है 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, कितना मास काम आया Na2CO3 का कैलकुलेट कर लो 106/2 कितना 53, कितना आएगा 53। तो सर इसमें नया क्या क्वेश्चन है, हम तो डायरेक्टली चेक करके बता देते Na2CO3 का n फैक्टर 2 होता है तो इक्विवेलेंट वेट 106/2 होता है। मैंने कहा हाँ बता तो सकते थे, मैंने कहा मेरा बताने का पर्पज ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ हो और अब अगर आपको इस टाइप से दे रखा हो, अब बताओ आप इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं रिएक्शन के मोड के ऊपर रहता है, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है तो इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl होगा और वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अगर 1 के बराबर होगा तो इक्विवेलेंस हो जाएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 1, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मास और वो हो जाएगा 106, वो किसके बराबर हो जाएगा 106 के बराबर हो जाएगा, ठीक है बात। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। धातु हाइड्राइड का तुल्यांक की भार 13 है तो धातु ऑक्साइड का तुल्यांक की भार कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सुने बात को मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं जैसे Al2SO4 होल थ्राइज आया था तो उसका तुल्यांक की भार अपन ने देखा था, है ना, Al2SO4 होल थ्राइज का तुल्यांक की भार देखा था तुम लोगों ने, कैसे कैलकुलेट किया था अपन ने कहा था एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार और सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। क्या नंबर वगैरह का मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या कि इतने नंबर होने चाहिए ऐसा होना चाहिए, नहीं। तो देखो धातु हाइड्राइड का अगर तुल्यांकी भार 13 दे रखा है तो इसका मतलब हो गया धातु का तुल्यांकी भार प्लस हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू 13। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है 1, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, धातु का तुल्यांकी भार हो जाएगा 13 - 1 इज इक्वल टू 12, धातु का तुल्यांकी भार कितना हो गया 12। अब धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार है ना, धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार चाहिए तो देखो ये क्या होगा धातु का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। धातु का तुल्यांकी भार कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 12 + 8 कितना होगा 20, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के बेस पे प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे देखो
आगे देखो प्रॉब्लम को और देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 12 ग्राम धातु 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, तो धातु का तुल्यांक की भार ज्ञात करो, ठीक है। कैसे करोगे? तुल्यांक की भार की डेफिनेशन ये है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करता है उसी को क्या बोलते हैं? तुल्यांक की भार बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? तुल्यांक की भार। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम धातु, तो 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? 12/32, और इसलिए 8 ग्राम से कितना करेगा? 12/32 × 8 ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो धातु का तुल्यांक की भार कितना हो जाएगा? 3। देखो यहां पे क्या फॉर्मूला बनने वाला है मैं वो लिख रहा हूं। अगर आपको तुल्यांक की भार चाहिए तो देखो मैंने क्या किया, धातु का द्रव्यमान या तत्व का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, इंटू क्या किया? 8 किया। ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर ये ऑक्सीजन दो, ये 8 क्या है? ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार है। सिमिलर वे में अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता तो धातु का द्रव्यमान अपॉन हाइड्रोजन का द्रव्यमान, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का तुल्यांक की भार कितना होता? 1। और यही अगर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में होता तो तुल्यांक की भार इज इक्वल टू धातु का द्रव्यमान अपॉन किसका? क्लोरीन का द्रव्यमान अपॉन क्या करते? मल्टीप्लाई बाय 35.5। सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैंने देखो डेरिवेशन कर दिया इनका, ये 3 फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, 3.15 ग्राम 3.15 ग्राम धातु ऑक्साइड 3.15 ग्राम धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन से अपचयित हो, अपचयित होकर 1.05 ग्राम धातु देता है, तो धातु का तुल्यांक की भार ज्ञात करो। ठीक है। बात कैसे करें अब इसको? 3.5 ग्राम 15 ग्राम धातु ऑक्साइड है, 1.05 ग्राम धातु आ गई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का भार कितना होगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? धातु ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस धातु का, तो वो ऑक्सीजन का आ जाएगा पीछे वाला 3.15 माइनस 1.05 इज इक्वल टू 2.10 ग्राम आ जाएगा। बोलो आ जाएगा 2.10 ग्राम। अगर 2.10 ग्राम आ गया है तो अब कैलकुलेट कर लो धातु का तुल्यांक की द्रव्यमान या तुल्यांक की भार, धातु का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है बात। बोलो अगला क्वेश्चन।
पॉइंट ट्वेल्व ग्राम धातु हाइड्राइड को डाइल्यूट H2SO4 में घोलने पर H2NTP पर उत्पन्न होती है तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। क्या कैलकुलेट करना है? धातु का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करो, ये पूछा गया अपन से। ठीक है, कैसे करेंगे? एक बात है, मेरे को धातु हाइड्राइड है तो पहले एक काम करो, ये वाला मेथड लगेगा, पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात कर लो। तो 33.6 ml H2 मिली NTP पर, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के द्रव्यमान में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेता हूं। अपन को मालूम है मोल में मैंने पढ़ाया था, हाइड्रोजन का भार बटा हाइड्रोजन गैस है ना, तो अणुभार लिखना पड़ेगा। अणुभार कितना होता है? 2 इज इक्वल टू 33.6 अपॉन 22,400 ml। ये लो, यही आएगा। ये कितना हो जाएगा? 67.2। ठीक है, 22.4 होता, अगर 22.4 होता तो 0.3 मतलब 3 आ जाता, 22.4 होता तो ये मेरे हिसाब से जो आएगा 0.03 आ जाएगा। बोलो, 0.003 ये आया क्या? बोलो भैया जल्दी से, 0.003 आ गया। ठीक है, ये आ गया किसका बार आ गया? हाइड्रोजन का तुल्यांकी बार ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, अगर ये धातु हाइड्राइड जो है, ये धातु प्लस हाइड्रोजन गैस देता है या कुछ भी देता होगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो इनके इक्विवेलेंस तो बराबर होने चाहिए। तो इक्विवेलेंस ऑफ मेटल हाइड्राइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। लगाओ, मेटल हाइड्राइड का इक्विवेलेंस क्या होगा? भार बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड में मेटल प्लस हाइड्रोजन का 1। इसका कितना होगा? 0.003 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना? 1। ये तो बात हुई, ये हटाओ, 120 40 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, मैंने क्या किया? हाइड्रोजन का भार ज्ञात कर लिया। अब ऐसे भी तो कर सकते थे सर, हाँ, कैसे? कि धातु का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेते, धातु हाइड्राइड में से हाइड्रोजन का मास माइनस करके। मैंने कहा देखो, 0.120 में से 0.003 कम करना पड़ता, तो ये आ जाता 0.117। ये तो आता धातु का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये इंटू 1 सेम ही आता, तो भी कितना आता? 39। चाहे ये करो चाहे ऐसे करो, सेम ही बात है। मैंने एक अलग मेथड बताया आपको कि हाँ ऐसे लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट 0.8 ग्राम मेटल सल्फेट देता है,
मेटल सल्फेट देता है। तो धातु का तुल्यांक की भार ज्ञात करो, ये दिया। सेम क्वेश्चन है, उसी मेनर से करना है मेरे को। 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट दिया, तो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगा दो। इक्विवेलेंस ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल सल्फेट होगा, ठीक है। मेटल नाइट्रेट 1 ग्राम, मेटल का इक्विवेलेंस वेट प्लस नाइट्रेट का 62 होता है, कैलकुलेट करवा रखा अलग से। 0.8 डिवाइड बाई मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट का होता है 48, ये हो गया 5, ये हो गया 4, इसको x मान लो, तो 4x प्लस 62 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 248, इधर 5 है तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 240, तो x बराबर कितना आएगा 8 आएगा। धातु का तुल्यांक की भार कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो तुल्यांक की भार के क्वेश्चन देखो मैंने खूब सारे करवा दिए, 8 क्वेश्चन करवा दिए तुल्यांक की भार से रिलेटेड। तो तुल्यांक की भार ज्ञात करने की विधियां समझ में आई, बेसिकली 3 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम आए तो कैसे करना मैंने बता दिया, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, इसमें इक्विवेलेंस क्या करना है बराबर करना है। बात क्लियर बोलो, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। यहां तक हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के मेथड देखेंगे, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के मेथड देखेंगे एक तो, और उसके बाद अपन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।